वो नेक्स्ट फाइट जो है वो हमें देखने को मिलेगी 86 केजी कैटेगरी में गुलफाम अहमद और राना फिजान अली के दरमियान। और इसमें जो फाइट है वो है फैसलाबाद रीजन से सखावत अली और निशावर अली लाहौर से। जी तैयब, आपका रेसलर निशावर अली जो के ब्लू कास्ट्यूम में मलबूस है, इसका मुकाबला सखावत अली फैसलाबाद के साथ है। आप क्या समझते हैं कि निशावर जो के कल एक अच्छी फाइट खेला जिसमें वो गलतियां चीज़ कर बैठा, आज कैसा आप देखते हैं कि निशावर कैसा खेल पाएगा? बहुत ही अच्छा सखावत अली ने दाव लगाया, उसका निशावर अली ने उससे अच्छा बचाव किया और एक अच्छी फाइट करते हुए निशावर अली 2 पॉइंट लेने में कामयाब और मज़ीद गेड़ा दे के 2 पॉइंट लेने की कोशिश में, जबकि रेफरी की विसल के साथ फाइट ओपन। जी मैं बात कर रहा था निशावर अली की। तैयब, आप बताएं कि निशावर अली जिनका तल्लुक आपके अखाड़े से है, आपके बड़े भाई हाफर इसरार शेर पंजाब का शागिर्द है वो, आप क्या समझते हैं कि आज ये कैसा खेलेगा? जी आज मुझे जब उनसे निशावर अली से बात हुई, उनका कहना था कि मैं थोड़ा इंजरी की वजह से थोड़ा अपसेट था, लेकिन आज चूँकि वो मुझे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा दिख रहे हैं तो उम्मीद है काफ़ी हद तक कि वो आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं, हम आंधी से कोई कह दे कि वो काफ़ी रहे। और इसी के साथ निशावर अली के 2 पॉइंट्स और सखावत अली जो उनका कोई पॉइंट नहीं हासिल कर सके, और ये पहला राउंड है जो निशावर अली और सखावत अली के दरमियान है। निशावर अली 2 पॉइंट्स के साथ और जो कि ब्लू कॉस्ट्यूम है, और सखावत अली इस वक्त 0 पॉइंट के साथ जो कि रेड कॉस्ट्यूम में है। बहुत उम्दा फाइट हमें देखने को मिल रही है, जहां पर सखावत अली कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहां से कोई पॉइंट हासिल कर सकूं, जबकि निशावर अली जो हैं वो अटैक किया और यहां पर 2 पॉइंट्स, जी हां यहां पर निशावर अली ने 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। और साथ ही रेफरी की विसल अदरीस जो कि पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत उम्दा अंदाज से रेफरी कर रहे हैं, और साइड रेफरी की जरबास और स्कोरिंग बोर्ड पर ताहिर शरीफ, और इसी के साथ 4-0 के साथ ये फाइट हो रही है बहुत उम्दा। और ये फिर से निशावर अली ने मोड़ा का दाव लगाते हुए 2 पॉइंट्स फिर से हासिल किए, बहुत उम्दा आज मुझे माशाल्लाह बहुत उनका एनर्जी लेवल अच्छा लग रहा है। क्या ये मैं ये चीज़ यही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि आप कल स्टूडियो में मौजूद थे जिस वजह से आप उसको फाइट नहीं लड़वा सके, उसके बाद मुलाकात हुई है। आज मैं देख रहा हूँ कि निशावर अली मुझे कल वाला निशावर अली नहीं लग रहा, आज इतना अग्रेसिव मूड में खेल रहा, वो एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग है उसका और मुसलसल पॉइंट लेने की एफर्ट में है कि मैं ये वन साइड फाइट करके विन करूँ। एक बहुत ही अच्छा दाव लगाते हुए जिसको क्रास नाम है फिर पॉइंट लेने में कामयाब, पहले राउंड में 8 पॉइंट की स्कोर से वो विन कर रहे हैं 8-0 से। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कोच, वो अच्छा कोच अपने प्लेयर को इस तरह गाइड करता है कि वो खुद प्लेयर अच्छा होने की जो है ना चाह रखता है। तैयब भाई, आप थोड़ा सा बताएं कि क्या इसको मसला था जिस वजह से कल वो फाइट ना उस तरह काट सका, आज इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है कि मुझे तो बड़ी हैरत हो गई है कि कल ये इसके एनर्जी लेवल नहीं था, आज इसका ये एनर्जी लेवल है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी असद, चूँकि आप भी एक रेसलर हैं, आप जानते हैं एक प्लेयर को एक तो मोटिवेट किया जाता है, साथ में उसकी काउंसलिंग की जाती है। निशावर अली मैं समझता हूँ कल उससे बेहतर था, लेकिन वो यहाँ पर निशावर अली टेक्निक लगा के सखावत अली पॉइंट लेने में कामयाब, जबकि पहले राउंड का टाइम मुकम्मल 2 पॉइंट लेने में कामयाब, पहले राउंड का टाइम ख़त्म, यहाँ पर दूसरे राउंड का आगाज़ हुआ। आपका कहने का मतलब है कि वो इस कदर ना डांटा जाए कि वो गेम से बागी हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ये आते सार ही सखावत अली का अटैक और पॉइंट लेने की कोशिश, लेकिन निशावर अली जो कि बहुत ही अच्छी डिफेंस करते हैं और आप देख रहे हैं कि मज़ीद कोशिश करके निशावर अली की टांग को अटैक कर लिया, लेकिन निशावर अली बहुत ही अच्छा डिफेंस करते हुए। मैट रेफरी अदरीस जिसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, ये बहुत अच्छे रेसलर रह चुके हैं, नेशनल चैम्पियन रेसलर और टाइम कीपर शरीफ ताहिर और उनके साथ खिजर अब्बास
जो कि रेफरी हैं, इनका भी तल्लक पाकिस्तान आर्मी से है, एक फाइट अच्छी इंजॉय करते हुए अवाम। मैं यहाँ पे शुक्र अदा करूँगा अल्लाह ताला का कि जिसने हमें इस तरह के फेडरेशन में या बंदे दिए जो रेसलिंग के साथ इस कदर मुखलिस हैं कि उन्होंने एक छोटे लेवल का कंपटीशन यहाँ पे आप देखें कि नुशावर अली के हक में एक पॉइंट दिया सखावत अली फॉल मुसलसल करते हुए, कि इस तरह के बंदे दिए जो रेसलिंग के साथ मुखलस हैं और रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। यूएस यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे आप देख लें कि इतना अच्छा मुकाबला हो रहा है। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने HEC को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया और HEC ने आगे से एक हायर किया पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन को और इतना अच्छा इवेंट करवाया। यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा पॉइंट लेते हुए निशावर अली और मैं नौ मेरे ख्याल से लगभग ये फाइट ख़त्म हो चुकी है क्योंकि 11-2 पॉइंट है यहाँ पे 9 पॉइंट की एक और मज़ीद पॉइंट लेना होगा 10 की लीड से जीतने के लिए निशावर अली को और देखना पड़ेगा वो एक पॉइंट निकाल पाते हैं या नहीं। यहाँ पे मैं तैयब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कितनी को एफर्ट चीज़ आप देख रहे हैं कि बहुत उमदा यहाँ पर निशावर अली ने 2 पॉइंट्स मज़ीद हासिल कर लिए हैं और इसी के साथ वो 10 की लीड से ये सेकंड राउंड में ये फाइट जीत चुके हैं 13-2 के साथ। निशावर अली जो कि ब्लू कॉस्ट्यूम में थे उन्होंने 13 पॉइंट्स हासिल किए और सखावत अली जो कि रेड कॉस्ट्यूम में थे उन्होंने 2 पॉइंट्स हासिल किए और इसी के साथ ये फ़ाइट ख़त्म हुई।